तो अभी मैं रायपुर के प्लेटफॉर्म में हूँ और जा रहा हूँ बिलासपुर, जो कि वहाँ ग्रैंड मीटअप होने वाला है यूट्यूबर का। तो चलिए और बने रहे वीडियो पे और इन्जॉय कीजिए, और सभी यूट्यूबर अपने अपने अनुभव प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं बिलासपुर प्लेटफॉर्म में और देखिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त मैं आया हूँ, अभी YouTube का बहुत बड़ा मीटअप हो रहा है और अभी मैं हूँ बिलासपुर में और मेरे साथ है पिथौरा के पिथौरा ग्राफिक्स। मीटअप के लिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मीटअप होने वाला है अभी होटल श्री श्याम इंटरनेशनल में, और अभी फ़िलहाल हम लोग पैदल जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन से लेने के लिए आ रहे थे लेकिन अभी पैदल जाना सही लगा हमको। पास में ही है, 1 किलोमीटर है और मज़ा आएगा। अभी पहुंच के आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा, वीडियो में बने रहो। तो हम पहुंच गए हैं श्याम इंटरनेशनल और यही होगा ग्रैंड यूट्यूब मीटअप, जो बहुत ही भव्य और काफ़ी सुंदर। तो बने रहे वीडियो पे और देखिए और चलते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, सभी यूट्यूबर लोग पहुँचे हुए हैं और पूरा हॉल भर गया है यूट्यूबर से। दिन से सपना रीज के दीपक भाई से मिलूं मैं, आज वो सपना पूरा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया के मोटिवेशन अधिक जबरदस्त थे कि बहुत एक्साइटेड हो रही मैं भैया से मिलने पर, और वो आज के दिन भैया मीटअप करा के बहुत ही अच्छा लगे से, और दीपक भाई मन तक सब एकत्रित हुए जो काफ़ी अच्छा लगे से। तो कहाँ ले भाई? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इतना दूर लिया है। अभी सब चीज़ मिलेंगे, बात करेंगे और अभी तो शुरुआत है भाई, चैनल में भी बहुत दूर दूर के जो हमारे दोस्त मन है, भाई मन है, बिल्कुल मन आए हैं, बहुत अच्छा लगा थे। बस हाँ, छत्तीसगढ़िया में ब्लॉग बना था भैया? दोनों बना था भाई, मालूम बनी। अच्छा, हिंदी और छत्तीसगढ़िया? हाँ, और छत्तीसगढ़िया बना भी बड़ा सुंदर लगता है। मैं नहीं बना पाऊँ कहे कि मोर ऑडियंस जो है बहुत दूर दूर से मन देखते हैं, तो मैं हिंदी में बनाता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मोर जो दोस्त मन है, मोर भाई मन है, वहाँ छत्तीसगढ़िया में बनाए। बहुत अच्छा लगी, आप मन मगर छत्तीसगढ़िया में बनाओ। वो जायल बढ़िया है, कुछ भी भाषा बोले तो छत्तीसगढ़ी में बोले, छत्तीसगढ़ी भाषा वही बोलो, छत्तीसगढ़ी भाषा वही वीडियो बनाओ। ठीक है भाई जी, ध्यान रखूँ बादला, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इवेंट के प्रोग्राम ला 4th फ्लोर में रखे गए है, बहुत ही शानदार इवेंट है। बहुत ही अच्छा व्यवस्था है भाई, और ये है हमारे छत्तीसगढ़। 40 सेकंड में आपको अपने बारे में और अपने चैनल के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में बताना है, ताकि ये सेशन हम 1 घंटे में एंड कर सकें। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे स्पीकर हैं, बहुत सारे, और मैं एक ट्रैवल और मोटर ट्रैवलर हूँ, यही बिलासपुर से, और इंडिया लगभग काफ़ी घूम चुका हूँ और इंटरनेशनल ट्रिप्स की भी मेरी तैयारी चल रही है। तो मेरा नाम है आर्य दिशा और मैं आज के इवेंट की आपकी होस्ट हूँ। मैं भी यही बिलासपुर शहर की रहने वाली हूँ, और यहाँ का रेडियो स्टेशन अगर आपने सुना होगा जो बिलासपुर से है, 94.3 MFM पर,
मैंने 4 साल उनके साथ काम किया है एज अ मॉर्निंग ड्राइव टाइम रेडियो शो होस्ट सलाम बिलासपुर। मैं शो होस्ट करती थी सुबह 7 से 11। 4 साल ये करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ नया ट्राई करना चाहिए, तो तब से मैं एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट इस रूप में काम कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ी में जम्बो संगवारी बल्ला जय जोहार। संगवारी हो, आप मन जानते हो कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल के एक एक जो जो बोला जाए क्या कलाम है कि आप सब जानते होंगे, कगा जिंदा है ना। तो एक मेरा भी है कि आप लोग का भाई जिंदा है ना, वीडियो ब्लॉगिंग करता है। मेरे चैनल का नाम है एक नंबर ब्लॉग और मैं एक नंबर थैंक यू। तो मैं वीडियो ब्लॉगिंग करता हूँ और जहाँ भी हिस्टोरिकल पैलेस है, जहाँ भी मतलब घूमने वाली जगह है, मैं वहाँ जाता हूँ। मेरा नाम प्रकाश कुमार यादव है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और इस होटल में मैं आया हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ आया और यहाँ इतने सारे जो यूट्यूबर भाई हैं, यूट्यूबर बहने हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। और मैं स्पेशल थैंक दे जाऊँगा दीपक भैया को कि उन्होंने इस होटल के माध्यम से यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन कराया। तो एक बार मैं बहुत मतलब इतना खुशी हूँ, मैं आप बिलीव नहीं करोगे। मैं सुबह जब ट्रेन से निकला था 4 बजे करीब हम लोग वहाँ से निकले थे और इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं इतने लोगों से मिलूँगा और छत्तीसगढ़ के जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों में इतने सारे फ्रेंड्स होंगे मेरे। तो ये दीपक भैया और यहाँ के होटल के जो मैनेजमेंट और जो ऑर्गेनाइजर मैडम है उनके माध्यम से हुआ है। तो मैं स्पेशल थैंक देना चाहूँगा मैडम को, दीपक भैया को और यहाँ के होटल के जो मैनेजमेंट है उनको और आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। बढ़ाते हुए शॉर्ट टाइम मिला है तो उसको देखते हुए बताते हैं कि मेरा नाम है रघुनंदन और मैं अभी 2 चैनल पर काम कर रहा हूँ। एक मेरे चैनल का नाम है रघुनंदन के ब्लॉग्स और दूसरे चैनल का नाम है रघुनंदन के वीडियोस, जिसमें मैं रघुनंदन वहाँ से हूँ। वर्तमान में मैं अभी कोरबा में रह रहा हूँ और वीडियो बनाना और घूमना फिरना मुझे बहुत पसंद है, जिसके कारण मुझे इस बारे में पहले जानकारी नहीं थी। बाकी दीपक भैया का जब वीडियो देखा मैं तो पता चला कि यूट्यूब पर भी वीडियो डालना चाहिए। तब जा कर के मैं भी बहुत जगह घूमने के बाद में वीडियो बनाना शुरू किया और धीरे धीरे वीडियो डालना शुरू किया। बंजारी ब्लॉग हमर बिलासपुर के धरती में आप सबके स्वागत है। मैं बिलासपुर बिल्हा से हूँ और मोर नाम अस्करण दास जोगी है और चैनल के नाम ए डी जे भ्यो। मैं हाँ जेल पाथा तेन डाल देता हूँ वीडियो बना के। मेरा नाम है प्रशांत पांडे और चैनल का नाम है पिथौरा ग्राफी ब्लॉग। मैं पिथौरा से आता हूँ, महासमुंद जिले के एक छोटे से कस्बे से। और पिथौरा में जो भी कुछ कार्यक्रम होता है या फिर कहीं मैं बाहर जाता हूँ तो वो सब वीडियो मैं घूम घूम के ब्लॉग के जरिए बना के मैं चैनल पर डाल देता हूँ। और मैं पहली बार कोई स्टेज में आके बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा स्टेज फियर है, नाम चापरा देख सकते हो होता है होता है। तो सब्सक्राइब करो, कर देना पिथौराग्राफी ब्लॉग्स, जरूर करेंगे यार, वेरी गुड। गाँव में उपयोग करे वाले जो हमारे इलाज के लिए दवाई वगैरह है, जड़ी बूटी है, ओकर भी बना देता हूँ। कभी पथरा खदान के कोड़ा धुए बना देता हूँ, कभी अपन लिखे गाना ला वीडियो बनवा के डाल दे। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आयोजक समिति को पूरा धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने इतना अच्छा मौका दिया कि हम सब यूट्यूबर फैमिली यहाँ पर मीटअप कर सकें, एक दूसरे से परिचय होगा, हम लोग एक दूसरे को जानेंगे, बहुत कुछ सीखने को भी अवसर मिलेगा। मेरा नाम सुनील पांडे है और मैं बलौदा बाजार जिले से हूँ, कसडोल गांव से। मेरे YouTube चैनल का नाम है सोलो राइडर और अभी मैं बिगिनियर हूँ दोस्तों। मैं बहुत कुछ छत्तीसगढ़ महाकाली की तो दोस्तों, मोर नाम है राकेश यादव और मैं यहाँ रायपुर से आया हूँ खास दीपक भाई के इवेंट में और ओपर मोटिवेशन मुझे बहुत अच्छे लगते एक वजह से। और मोर चैनल के नाम है यूनिक ब्लॉग मोर रायपुर, तो मैं दुलार बनाए रखूँ और मोर चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करूँ संगवारी को। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।
डेली न्यूज चैनल से हूँ। मोर चैनल के नाम हुआ है छत्तीसगढ़ प्रदेश। आप मन जाके देखो कैसे लगत है बताओ। अभी मैं नया नया हूँ, मैं अपन दोस्त मन से सीखा था क्योंकि मैं रायपुर को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और मुझे तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी लाइफ में, पहला तो खाना खाना, दूसरा वीडियो बनाना, ठीक है, और तीसरा मैं भूल गया सॉरी। वीडियो मैं बनाता था लेकिन मेरे को आइडिया नहीं था कि हम अपने वीडियो को किसी प्लेटफॉर्म में शेयर भी कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो जो आइडिया मेरे को मिला कि वीडियो को शेयर करने का, वो और कॉन्फिडेंस वो मेरे को डीके भैया से मिला, DK808। जब लॉकडाउन था ना और जब मैं मूवी और वीडियो फिल्म ये सब देख के उठ गया था, तब मेरा मन किया कि मैं अब अपने छत्तीसगढ़ को अच्छे से देखूँ। तब मैंने वीडियो अभी एक महीने पहले ही चैनल मेरा मोनेटाइज हुआ है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्लॉगर हो जाओ। मोर नाम है नरेश और मोर चैनल का नाम है सीजी नरेश। मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म से संबंधित वीडियो डालता हूँ और जल्दी से जल्दी मेरा सिल्वर बटन चाहिए। बहुत दिन से सब जाना देखा था पर मोर का नहीं आए, तो मैं उम्मीद रखे हूँ आप मन से कि आप मन जैसे भी हो तोड़ा मरोड़ा, जिसे कैरी मिनाटी बोलते हैं ना, तोड़ा मरोड़ा कुछ भी करो लेकिन सब्सक्राइब करो। तो वैसे ही आप मन सब्सक्राइब कर दूँ और बिल्कुल एक बार आप मन मोर चैनल पर विजिट करूँ और आप मन फिल्म से संबंधित अपडेट चाहिए तो बिल्कुल सीजी नरेश में सब्सक्राइब करूँ और देखा करूँ। मैं संस्कृत में वीडियो बना रहा हूँ लाइक दिस। ओम नमस्ते सुप्रभातम, मम नाम परस, मम चलचित्र भवता स्वागतम अस्ति। मेरा नाम परस है, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। दीपक अब आप बोलेंगे तभी सब अपनी जगह पर बैठेंगे और पूरी बात सुनेंगे। तो प्लीज जय जोहर संगवारी। बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ आप सभी को जो आप लोग यहाँ पर आए, इस इवेंट में आए। और बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, मैं देखा हूँ। कई लोगों से मैंने बात भी किया है तो बता रहे थे कि कई लोग अंबिकापुर से, रायगढ़ से, जसपुर से, बस्तर से, एक अशु भाई हैं वो बस्तर से साइकिल चलाते हुए लगभग 500 से 600 किलोमीटर जो है साइकिल से हैं। वैसे ही सूरज भाई हैं वो अधिकार न्यूज़ से हैं, वो लगभग यहाँ पर 250 किलोमीटर से भी अधिक राइड करते हैं। तो ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत दूर दूर से आए हैं, उनको मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये अभी भाई आप सभी गाड़ी से आए होंगे, ट्रेन से आए होंगे, ऑटो से आए होंगे, कोई फ्लाइट से भी आया हो सकता है, मैं जज नहीं करती। पर यहाँ पर जो लोग इतने पैशनेट हैं कि वो साइकिल चलाकर 700 किलोमीटर चलाकर आए हैं सिर्फ छत्तीसगढ़ का ग्रैंड यूट्यूबर मीटअप अटेंड करने के लिए, तो उनके लिए तालियां तो बनती है यार, जोश में कमी नहीं होनी चाहिए। इतनी गर्मी में, इतनी धूप में फिर अपना दिन रात तालियों करके आए हो, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आ जाइए प्लीज। थैंक यू मेरे को स्टेज प्रोवाइड करने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो प्रदीप भैया, सौरभ भैया और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका मैं थैंक यू बोलता हूँ, उनको एक स्टेज प्रोवाइड किया सब यूट्यूबर्स के साथ एक फीचर करने का। सेकेंडली मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम है शानू, मैं बेसिकली कोरबा से हूँ और हाल ही में मैं साइकिल से छत्तीसगढ़ से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सोलो टूर करके आया हूँ और अराउंड 3000 किलोमीटर का हो गया। और जब मेरे को पता चला कि ये इवेंट हो रहा है तो मैं बोला कि हर हाल में इसको मिस नहीं करना है। तो जैसे जैसे मैं पहुँचा कल सुबह 5 बजे निकला था गोरखपुर से, 10 बजे पहुँच गया था और मैं रात भर सोया नहीं था, आज भी मैं सोया नहीं था, आग दिख रहा होगा आप लोग मेरा लाल लाल 3 घंटे की नींद है। और मैं रूम पहुँचने के बाद जब देखा कि प्रदीप भाई अपने यूट्यूब में एक वीडियो डाले थे, तो
तो उस टाइम पे भी दो बंदे लोग मेरे देखा कि उन लोग भी साइकिल से दिल्ली जा रहे थे भाई, तो मैं तो और इम्प्रेस हो गया भाई, इन लोग का बनता है, अभी तक मिला नहीं था, स्टेज पे आके मिल रहा हूँ, तो मैं पहले सबसे पहले इनको माइक देता हूँ ताकि इन लोग अपना बात रख सके, उसके बाद हम लोग ओके। मेरा नाम है सूरज करियारे और मैं दिल्ली राजधराज हूँ, बालू जिला हमारा। तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है हमर अधिकार। तो जैसा कि पहले मैं ब्लॉगर था और मैंने लगभग ही रहा, वो बहुत बड़ी बात है और भाई भी बताएंगे बाकी। मेरा नाम वस्तु नाग है और मैं बस्तर डिस्ट्रिक्ट जगतपुर से करीब मेरा 20 किलोमीटर गाँव है। एक बार और एडजस्ट करता है ना।